खबरें। सन 1999 में कारगिल जंग में अहम किरदार अदा करने और भारतीय फिजाइय में 3 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक सर्विस में रहने वाले जंगी तैयारे MiG27 आज रिटायर हो गए। इन तैयारों ने आज जोधपुर एयरबेस पर आखिरी उड़ान भरी। स्विंग विंग जंगी तैयारों ने फिजाइय में कई दहाइयों तक ग्राउंड अटैक बेड़े में अहम किरदार अदा किया। भारतीय फिजाइय ने 7 तैयारों के अपने स्क्वाड्रन को बेहद जज्बाती माहौल में विदाई दी। दीगर सभी एडिशन जैसे MiG23BN और MiG323MF और प्योर MiG27 जैसे फिजाइय से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। इस बेड़े ने तारीखी कारगिल जंग के दौरान अहम रोल अदा किया था, जब इसने दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट और बम निशाने पर गिराए थे। इस वक्त बराए रास्त आप देख रहे हैं जोधपुर एयरबेस से उड़ान भर चुके हैं MiG27 तैयारे। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि भारतीय फिजाइय में 3 दहाई से भी ज़्यादा वक्त तक अपनी सर्विस अंजाम दी थी MiG27 तैयारे ने। इस वक्त जितने भी तैयारे हैं इस बेड़े के एक एक करके आप देख रहे हैं कि लैंड कर रहे हैं। ।1999 की कारगिल जंग में इस बेड़े ने अपना एक अहम रोल अदा किया था। आप देख रहे हैं इस वक्त इनको विदाई दी जा रही है, नम आँखों से विदा किया जा रहा है, यहाँ तक के उनको पानी की बौछारों से विदाई दी जा रही है। इस वक्त ये सभी तैयारे अपनी आखिरी परवाज पर थे। आज MiG27 तैयारे अपनी आखिरी उड़ान भर रहे थे और आज ये तैयारे रिटायर हो गए हैं। अगली खबर पर नज़र डालते हैं। कजाकिस्तान के अलमाटी में आज एक बड़ा तैयारा हादसा हो गया। खबरों के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही 2 मंजिला इमारत से टकरा गया। इस तैयारे में तकरीबन 100 लोग सवार थे। अभी तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। कजाकिस्तान के अलमाटी में ये हादसा पेश आया था। शहरी तरमीम कानून की हिमायत में आज मुल्क के कई हिस्सों में रैलियां मुनाकिद की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में आज एक बड़ी रैली करेगी। आसाम के जागी रोड में भी बीजेपी एक शांति रैली का इनेकाद कर रही है। इस रैली से आसाम के वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल के खिताब करने की भी उम्मीद है। पुडुचेरी में भी बीजेपी CAA के हक में एक जुलूस निकालेगी। गोवा में रेलवे के वजीर पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। विजयवाड़ा में शहरी तरमीम कानून के तई लोगों में बेदारी फैलाने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस बेदारी प्रोग्राम से मरकजी वजीर सुरेश प्रभु खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में फरोग इंसानी वसाइल के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और मौसम की बात की जाए तो मुल्क की ज़्यादातर रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से शुमाली भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 4.5 डिग्री नीचे चल रहा है। साल के आखिरी महीने दिसंबर में इस साल औसत से ज़्यादा दर्जा हरारत अब तक 19.85 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके 31 दिसंबर तक 19.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी दर्जा हरारत मुसलसल कम होने के सबब पूरी रियासत में सर्द लहर की सूरत हाल है। राजधानी लखनऊ समेत रियासत के ज़्यादातर इलाकों में लोग दिन भर कांपते रहे। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान ज़बरदस्त ठंड, सर्द लहर और कई मकामात पर घना कोहरा होने का इम्कान जाहिर किया है। शदीद सर्दी से आम जिंदगी मुतासर हुई है। इस सब के पेश नज़र रियासत के कई शहरों की ज़िला इंतजामिया ने स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया है, जबकि कई अजला में स्कूलों के औकात में भी तब्दीली की गई है।
वहीं सर्द लहर और कोहरे के पेश नज़र ज़िला वाराणसी के यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों की क्लास 12 तक सभी आंगनबाड़ी मराकज़ और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 4 जनवरी तक बंद किए जाने का हुक्म ज़िला अफसर ने जारी किया है। मौसम का असर ट्रेनों और परवाज़ों पर भी पड़ा है। पंजाब में भी सर्द लहर की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से लोगों के लिए घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पड़ रही कड़ाके की ठंड जानलेवा साबित होने लगी है। शदीद ठंड के सबब लोग सुबह से शाम तक हीटर, ब्लोअर और अलाव समेत तमाम इंतजाम के बावजूद कड़ाके की ठंड में ठिठुरते रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सर्द लहर जारी रहेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।